हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घरौंदा। ये देखिए, यहाँ मैंने ईंधन लगा लिया है और क्या बोलते हैं भगोना चढ़ा लिया है। आज हम बनाने वाले हैं एक चटनी, खट्टी सी चटनी। तो चलिए चलते हैं हमारी अंबाड़े की तरफ। हम बनाने वाले हैं अंबाड़े की चटनी, हम लाएंगे हमारे गार्डन से ही। तो चलिए आपको बताती हूँ मेरे अंबाड़े के पेड़ और हरी मिर्ची। देखो, देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हमारे अंबाड़े की तरफ। ये देखिए कितनी अच्छी हुई है हमारी अंबाड़ा सी, बहुत अच्छी हुई है। अब हम इसे हार्वेस्ट करेंगे और बनाएंगे हमारी चटनी। इसे हम पत्ता पत्ता ही तोड़ेंगे फ्रेंड्स। जितना आप पत्ता पत्ता तोड़ोगे उतने ही इसकी अच्छे से ग्रोथ होगी। हरी मिर्ची भी चाहिए थी चटनी के लिए, तो शाम तो हो चुकी है फिर भी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से थोड़ी हरी मिर्ची ले लूँगी। ये देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुझे ज़रूरी है तो मैं तोड़ रही हूँ, और एल्स शाम में हमें झाड़ों को टच नहीं करना चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी हरी मिर्ची है, वाओ। है मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी ही तोड़ूंगी, पूरी हरी मिर्ची अभी नहीं निकालूंगी, है ना? ठीक है, पूरी निकाल लेंगे, थोड़ा सेक के भी खाएंगे। नींबू डाल के क्या बोलूँ मैं इसे, कुछ बोलने लायक ही नहीं है। तो मेरे सारे हरी मिर्चियाँ, आई एम टेम्प्टेड सी, मैं बहुत टेम्प्ट हो रही हूँ। रुका ही नहीं जा रहा मेरे से। ये देखो यहाँ पे गिर गए भी थोड़े झड़के अंदर ही, क्या लोगों ने हरी मिर्ची मैंने तोड़ लिया है। तो चलिए ये देखिए, यहाँ मैंने हांडी में तेल चढ़ा लिया है, तेल हमारा गर्म हो रहा है। जब तक मैं भाजी को और हरी मिर्ची को धो लूँगी, वो देखिए तो मैं कॉस कर है हमारी अंबाड़े की भाजी जो मैं अभी तोड़ कर लाई हूँ। इसे मैं एक बार वॉश कर लूँगी जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है अच्छे से। Thank you.
हमारे हरी मिर्चा इतनी फ्रेश है, कच्ची खाने को मन कर रहा है पर मैं कच्ची नहीं खाऊंगी। ज़रूर 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 मैं इसको सेक सेक के खाऊंगी। अभी तवे पर इसको सेकेंगे, नमक लगाएंगे और नींबू निचोड़ के बस खाना ही है। मुंह में पानी आ गया सबको सबको। भाजी को अच्छे से धो लिया है और ये हटा दूंगी और अभी इसकी डंठल अच्छे से तोड़ लेंगे। ठीक है, मैं एक में दो कर लूंगी ताकि हमें आगे पीसने में आसानी होगी। बस इसके डंडल अलग कर रही हूँ और एक में दो कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें लाल मिर्ची नहीं पड़ती है, इसमें सिर्फ हरी मिर्ची ही डालते हैं। बट ये देखिए हमारी हरी मिर्ची कितनी तेज है, अंदर देखिए फ्लैश एकदम बहुत अच्छा है, बहुत तेज है ये, इसमें बहुत तेज ढांस निकल रही है। फ्रेंड्स, हमारे घर की हरी मिर्ची तोड़ने के बाद हाथ आप फेस पर इधर उधर मत लगाइए वरना ये बहुत भयंकर जलेगा। ओके, ध्यान रखिए। एंड यहाँ पर मैं कर ली हूँ हरी मिर्च और हमारे अंबाड़े के पत्ते के भाजी और हमें चाहिए थोड़ा सा राई जीरा। ये देखिए, ये मेरा ओपन एयर किचन का सेटअप है। ये देखिए कैसे लगा फ्रेंड्स, अच्छा है ना? तो मैं ये परमानेंटली इसे भरकर मैं यहीं ऊपर रख दी हूँ ताकि बार बार मुझे नीचे ऊपर जाना ना पड़े। तो अभी हमें चाहिए सिर्फ राई जीरा और नमक और थोड़ी सी चने की दाल फॉर टेस्ट, और हम इसमें से लेंगे थोड़े से सूप। ये देखिए फ्रेंड्स, हवा बहुत तेज चल रही है, थोड़े थोड़े बारिश के छींटे भी आ रहे हैं। पता नहीं हमारी चटनी यहाँ पे बन पाएगी या नहीं, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी जल्दी बनाने की। तो ये देखिए हमारा तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, यहाँ मैं डाल रही हूँ राई जीरा। बहुत अच्छा गर्म हुआ है, मैंने यहाँ डाला है राई जीरा और अब हम डालेंगे थोड़ी सूखी मिर्ची, हैंडफुल ऑफ सूखी मिर्ची। और अब हम डालेंगे थोड़ी सी चने की दाल। मैं यहाँ डाल रही हूँ चने की दाल। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी लहसुन, मैं छिलकों के साथ ही डाल रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक्चुअली यहाँ बारिश के छींटे हो रहे हैं तो ढांस बहुत तेज़ है, हमारे झाड़ की मिर्ची बहुत ढांस कर रही है। बस्तर को
ये देखिए हमारा बघार एकदम अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारी, अब हम इसमें डालेंगे हमारा अंबाड़ा, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पानी इतना क्लीन है यहाँ पर, ये देखिए, ये मेरे अंबाड़ी के भाजी का धोया हुआ पानी है। ये देखिए इतना, ये देखिए अगर हम बाजार से लाया हुआ होता तो इसमें इतनी सारी मिट्टी और रेती निकलती थी, बट ये देखिए यहाँ पानी हमारा इतना क्लीन है। ओके, देखिए फ्रेंड्स दिखने में ये बहुत ज़्यादा लग रही है, बट अभी ये नरम हो जाएगी, सिच जाएगी ना, तो ये कम हो जाएगी। ठीक है, मैं ला रही ना, बस हो गया ये। हुआ, अब हम इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद पीस देंगे, पीस कर थोड़ा सा टॉप लगाएंगे। ये देखिए लवली सी नाइस, बस अब हम इसे ठंडा करेंगे और तब तक हम यहाँ चढ़ाएंगे तवा और हम बनाने वाले हैं रोटी, जवारी की रोटी। और इसे करेंगे ठंडा। ओके, देखिए फ्रेंड्स मौसम इतना ठंडा है तो मैं इसे यहाँ डाल रही हूँ प्लेट में, बस 2 मिनट में ये हो जाएगा ठंडा और फिर अब हम इसे पीसेंगे हमारे मिक्सी में। ये देखिए अंबाड़े की भाजी एकदम अच्छे से गल चुकी है। ठीक है, बस 2 मिनट में ये हो जाएगी ठंडी। ठीक है, और यहाँ हम करेंगे हमारा पानी गरम, तवे पर ही मैं पानी गरम कर रही हूँ हमारे आटे के लिए। ये है जवारी का आटा, हवा हवा हवा, आज तो डिनर के मजे ही मजे है सबके, ठंडा ठंडा मौसम, गरम गरम रोटी। बस है ताटा, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, जवारी के आटे में नमक, एंड ये है हमारा उबलता हुआ गरम पानी। वाह भाई वाह, बहुत गरम है।
ठंडा होने रखेंगे थोड़ा। ये देखें, इसे मैं अच्छे से गूंद रही हूँ फ्रेंड्स, इसे अच्छे से। ये देखिए, ये जो हमारी हथेली होती है ना, इससे हमें अच्छे से इसे गूंदना है। ये देखिए, तो हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी और टूटेगी भी नहीं। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जवारी का आटा एकदम डो, एकदम गेहूं की रोटी के जैसा डो बन चुका है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। ऐसे होना चाहिए हमारा जवारी का आटे का डो। यहाँ तवा भी गर्म हो रहा है, अब हम इसकी बनाएंगे जवारी की रोटी। लेट्स सी कैसे बनती है, आई डोंट नो, माय गॉड, अच्छी नहीं बने तो मेरे पति बिकॉज जवारी की रोटी अंबाड़े की भाजी उनकी फेवरेट डिश है। फिंगर्स की रिंग्स वगैरह मत पहनिए फ्रेंड्स, और एल्स इसमें छापे गिर जाएंगे और हमारी रोटी टूटने लगेगी। मैं यहाँ डालूंगी थोड़ा सा आटा, सूखा आटा, ओके, लाइक दिस। मैं इसे घुमाते घुमाते बनाऊंगी ऐसे थोड़ा सा, जैसे मेरे पाम के बाहर आने लगेगी रोटी, मैं इस पे बनाऊंगी। ये देखिए हमारा पाम को मैं ऐसे आटे में बस प्रेस करूंगी, जस्ट ऐसे, एंड देन लाइक दिस, ओके, ताकि हमारी जवारी की रोटी हाथों से चिपके ना, लाइक दिस। फ्रेंड्स, हमें कॉर्नर से इसे घुमाना है, ठीक है, कॉर्नर से हमें इसे पतला करना है, और एल्स हमारी रोटी जाड़ी रह जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी फिर रही है हमारी रोटी, सी, टच वुड, नज़र ना लगे। यस, हमारी रोटी बन गई है, अब मैं इसमें डालूंगी तवे पर। आराम से इसे उठाइए, ये लीजिए स्पैचुला, और ऐसे इसे लूज कीजिए पहले नीचे से, एंड देन ऐसे। ये देखिए मैं इसे ऐसे उठाऊंगी, वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे डालकर हम इसे ऊपर से थोड़ा, ये देखिए ऐसे पानी लगाएंगे ताकि ये दो तरफ से अच्छे से सिक जाए, लाइक दिस, एंड वी आर डन, ओके। ये देखिए हमारे राजेश भैया भी काम पे लगे हुए आज हमारे अंबाड़ी की चटनी पीस रहे खलबत्ते में हैंड मशीन। ये
ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जवारी की रोटी, ये है डोंडा फ्राई और ये है पंड मिर्ची का अचार, अंबाड़े के भाजी की चटनी और ये है हरी मिर्ची और सिकावा ऑनियन और सिकी हुई हरी मिर्ची। इसे कोयले में मैं डाल कर छोड़ दी थी, जब तक मैं रोटी सेक रही थी तो नीचे से ये अच्छे से सिक गए हैं। तो प्याज की ऊपर से कालापन मैंने निकाल लिया है। देखिए ये बहुत सॉफ्ट और जूसी हो गई है, इसका तेजपन पूरा निकल गया है। तो ये है हमारा आज का डिनर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मेरा घरौंदा। थैंक यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।